क्या आपके पास भी इमरजेंसी अलर्ट एंट्रेंस का मैसेज आपके मोबाइल फोन पर आया है? जी हाँ मेरे फेसबुक फ्रेंड यूजर जितने भी हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है तो क्यों आया है और क्या है इसका रीजन, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज अचानक से 2:30 बजे के करीब इमरजेंसी अलर्ट इंट्रेंस का एक मैसेज आया है जो कि ये सभी के फोन पर आया है। और अचानक मोबाइल पर मैसेज आते ही पूरा फोन जो है वाइब्रेट होने लगा है, मेरा भी फोन वाइब्रेट होने लगा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्यों आया है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आइए आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है। यह एक नमूना प्रशिक्षण संदेश है, कृपया इस संदेश पर ध्यान न दे क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहा है। अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो यह जो है भारत सरकार के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए ताकि ये जो है किसी भी अगर कोई आपातकालीन स्थिति में अगर आप लोगों को मैसेज भेजना हो तो ये अपने टेस्ट के लिए जो है अपना यह संदेश अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से भाई हैं जो कि घबरा गए हैं कि अचानक से ऐसा मैसेज उनके मोबाइल फ़ोन में आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ एक जाँच के लिए यह अलर्ट भेजा गया है जो कि आगे भारत सरकार के द्वारा इस पर किसी न किसी रूप से अच्छे ढंग से कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।